भाई के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। हिमालय भाई राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले हैं। राजस्थान में तीन जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी कहलाती है। मेरे भाई ने गांव की गलियों में खूब खेला खाया, गांव में काम किया, गाय भैंसों का काम किया, ऊंटों का किया, खेती का किया। उसके बाद जब जवान हो गए तो मुंबई आ गए और आकर के इस ग्लैमर की दुनिया के अंदर इन्होंने अपनी कोशिश की और काफी सालों के बाद मेहनत करते करते, कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, कृष्णा ने कहा था कि कर्मशः ही प्रधानम्। तो मेरे भाई ने, छोटे भाई ने हिमालय में काम किया, मेहनत की और आज ये मुंबई की ग्लैमर की दुनिया में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर कामयाब हो गए। मैं मेरे छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि मेरा भाई आगे बढ़ता रहे, कास्टिंग के साथ साथ अपने फिल्म बनाए, अपने नए नए वेब सीरीज बनाए, प्रोजेक्ट बनाए। मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई के साथ हैं। थैंक यू मेरे छोटे भाई, भगवान यहाँ पर जितने भी मानव उपस्थित हैं सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद। अगर आप लोग आज बर्थडे मना रहे हैं तो हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, खुशी का दिन है। और मेरे लिए तो इसलिए खुशी का दिन है कि हिमालय अग्रवाल साहब मेरे पर हमेशा मेहरबान रहे और मुझे आज जन्मदिन मनाने का मौका मिल रहा है। और दूसरा खुशी का दिन यह है कि मेरे 50 साल एज एन एक्टर होने में कुल एक महीना बाकी है। करेक्ट, पार्टी पक्की है। 10 अक्टूबर का, 10 अप्रैल का दिन मेरे लिए गोल्डन जुबली टाइम होगा। पार्टी पक्की, मुझे काम करते करते कैमरे के सामने रहते रहते 50 साल हो जाएंगे और ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी तक काम ही नहीं किया है। एकदम फ्रेश, नो टेंशन, नो फ्रस्ट्रेशन, नो डिप्रेशन। और मैं आप सब लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप इन चीजों को अपने पास में बुलाइए। मैंने बड़े बड़े लोगों का फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और डिप्रेशन देखा इस लाइन में। बड़े बड़े कामयाब आदमी जो है भीख मांगने लगे थे, बड़े बड़े कामयाब आदमी इस लाइन में। चूंकि मुझे मौका मिला है बोलने का तो मैं तीन ही बात बोलूंगा, डिप्रेशन, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन। जिस आदमी को फिल्म इंडस्ट्री में चाहे वो चाय बेचने वाला है, स्पॉट बॉय या प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कोई भी स्टार है, अगर ये तीन चीजों का सहारा नहीं लेगा तो मेरा दावा है कि बहुत आगे जिएगा, बहुत कामयाब होगा और कामयाब होके हमेशा कामयाब रहेगा। यहाँ ज्यादातर लोग 2-4 साल के लिए कामयाब होते हैं, बाद में पता ही नहीं पड़ता किधर गए वो ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड टेंशन है। तो मैं जब भी बोलता हूँ यही बोलता हूँ, इन तीनों चीजों को अपने पास मत रखो। और चौथा बड़ा दुश्मन है ईगो। मैं ईगो एक ऐसी चीज है जो भिखारी में भी होती है और राजा में भी होती है। जो इस राक्षस से दूर हो गया 100% वो सुखी रहेगा और कामयाब होगा। चूंकि सभी लोगों को बोलना है और मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि मेरा अनुभव इतना ज्यादा है कि मैं घंटों बोल सकता हूं इसी तरह से, लेकिन उसका मकसद कुछ नहीं है। जो मैंने बोला उसका ध्यान रखेंगे, सब लोग खुशी हो जाएंगे, सब लोग सुखी हो जाएंगे और सबको बहुत अच्छा अच्छा महसूस होगा। अंत में मैं हिमालय अग्रवाल साहब को जन्मदिन की दोबारा मुबारकबाद देता हूं। और जिस तरह से हिमालय अग्रवाल साहब जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से हर आदमी को काम दे रहे हैं, जिस तरह से सब आदमी से अच्छी तरह से बात करते हैं, इस नेचर को हमेशा कामयाब रखें और कायम रखें। दोनों चीज जरूरी है, कामयाब और कायम। निश्चित रूप से कल की ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनने जा रही हैं और जिस तरह से आज ये नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो मुहूर्त कर रहे हैं कि अब बड़ी बड़ी कास्टिंग करेंगे, मेरी शुभकामना है इसी तरह से आगे बढ़ते जाए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद। मैं उनकी सालगिरह पर विश करना चाहूंगी हैप्पी बर्थडे, आप तीन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें इंशाल्लाह आमीन। और जिस मकसद से मतलब आज का दिन इन्होंने चुना है कि मुझे कुछ नया काम करना है,
अपॉर्चुनिटीज के लिए अल्लाह उन्हें कामयाबी दे आमीन। और बहुत ही डाउन टू अर्थ है, मैं जब इंडस्ट्री में आई थी मुझे मालूम है जब मैं इनसे नई नई मिली थी तो कास्टिंग के लिए मैं भी चक्कर काटती थी। हर कोई इंसान छोटे से शुरुआत करता है और एक कहीं ना कहीं लेवल पे पहुंचता है, इंसान का एक एम होता है। तो आज मालिक की कृपा से मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ गदरपुर में, एज ए मेन लीड की मदर का रोल मैंने प्ले किया है और मैं उनके लिए मेरी हमेशा गुड विशेज रहेगी। हिमालय जी बहुत डाउन टू अर्थ है और सीरियसली दिल से मेरी दुआ है कि ये आज बहुत ही अच्छा काम शुरू करने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कास्टिंग जो कि इन्होंने सोचे लीड को कास्ट करना और प्राइमरी लीड कास्ट करना, तो उसके लिए मेरी तहे दिल से दुआ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लाइक कास्टिंग बहुत बड़ी थी तो हमें एक फैमिली जैसा माहौल मिलता था और मैं आज भी बोलती हूँ कि गदर ने मुझे एक फैमिली दी है। तो जहाँ कहीं भी हम लोग मिलते हैं सब लोग पूछ जाते हैं कि क्या किस चीज़ की कमी है, बस हंसी मजाक खुशियाँ यही हम लोग बिखेरते रहते थे गदर के सेट पर। कुछ क्या बहुत सारी यादें हैं। सनी सर बहुत ही कूल हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, लाइक उनके साथ काम करना अपने को आर्टिस्ट को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि मतलब उनमें ये चीज़ें नहीं कि मैं सनी देओल हूँ या मैं इतने साल से हूँ। जो चीज़ें मैंने उनमें देखी है काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सीरियसली उत्कर्ष के साथ, उत्कर्ष और सिमरत लाइक दोनों बहुत चुलबुले और बहुत अच्छे इंसान है, उनकी तबीयत दिखाई देती है। अनिल सर ने जिस तरीके से उत्कर्ष की तबीयत दी है, लाइक परवरिश की है, तो वो आप उत्कर्ष की बातों में महसूस कर सकेंगे कि वाकई में उत्कर्ष बहुत अच्छा इंसान है और अच्छे इंसान होने के साथ साथ अच्छा एक्टर भी है। और सिमरत चुलबुली जैसे कि मेरी बेटी है सारा, तो सिमरत में मैं अपनी बेटी ही नजर देती थी, मुझे वही नजर आती थी। नहीं, मैं सिमरत की मम्मी बनी हूँ और सिमरत से जो मेरा बॉन्ड है वो काफी अच्छा है। उत्कर्ष से भी शायद आप एक गाना होगा दिल झूम झूम, उसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से मुझे मना रहा है, मेरी तारीफें कर रहा है, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा और पब्लिक को भी काफी अच्छा लगा। हमारे मित्रों ने बताया है ये सब बहुत सीनियर एक्टर है और इन लोगों का साथ मिला है तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। पिछले 17 साल से कास्टिंग की दुनिया में हूँ और छोटे छोटे कास्टिंग छोटी छोटी तकलीफें देखी है कि एक फिल्म को बनाने में कास्टिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि जितनी अच्छी कास्टिंग होगी उतनी अच्छी फिल्म अच्छी होगी और उतनी अच्छी होगी। चाहे वो एक जूनियर आर्टिस्ट का कलाकार हो, जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम कर रहा हो, या वो सीनियर एक्टर हो या मीडियम का एक्टर हो, सबकी अहम भूमिका होती है, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है एक फिल्म को बनाने में। तो जब से मैंने इंडस्ट्री में पाव रखा है मेरे घर से कोई नहीं था, मैं पहला इंसान हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में आया, तो धीरे धीरे सीखते सीखते सबकी सब ये सब मेरे सीनियर एक्टर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे काम करते हैं, कैसे इंडस्ट्री को जानते हैं। कुछ सालों के बाद जब मैं पहली फिल्म करी थी अग्नि पर, तो वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया कि कैसे कास्टिंग करनी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो उसके बाद से जो मेरी जर्नी शुरू हुई है आज तक अंत नहीं हुआ था। और मैं फीचर कास्टिंग सेकेंडरी कास्टिंग इसीलिए करता हूँ कि इंडस्ट्री में आने वाले हर कलाकार को काम मिले, वो डर का धोखा न खाए और अपने रोजमर्रे की जिंदगी को जिए। अगर टीचर कार भी कर रहा है तो इज्जत से कमा रहा और इज्जत से खा रहा है, अगर वो इज्जत से रहेगा और इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा भी काम करता रहेगा तो आने वाले दिनों में उसकी तरक्की निश्चित। इसलिए मैं सभी को किसी का निराधार नहीं करता। कल कौन मीना कुमारी बनेगा, कल कौन दिलीप कुमार बनेगा पता नहीं है, इसलिए सबके साथ लेकर चलना, सबके साथ मिलकर काम करना, चाहे वो फीचर कास्ट का काम हो, चाहे वो सेकेंडरी कास्ट का काम हो, चाहे वेब सीरीज का हो, चाहे फिल्म टाइप का हो, लोगों को मैं मेरी तरफ से जरिया बन के मैं लोगों को काम दे पाऊँ, यही मेरी पहली कमन्ना और यही मेरी पहली ख्वाहिश होती है। आज 17 साल की जिंदगी में मतलब इंडस्ट्री में बिताते हुए हो गए,
तो मैंने सोचा कि कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों की रिक्वायरमेंट आती है, तो बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हमारे कॉन्टेक्ट में आए हैं। इसी जर्नी में हमने उनसे मिले हैं, तो अभी आने वाले दिनों में जो भी प्राइमरी कास्टिंग हो हम उनमें भी कास्ट कर पाए। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कलाकार जैसे अभी नीलोफर जी हैं, इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सालों से किया है, आज सीनियर एक्टर बन गए। अभी रमेश गोयल जी हैं, इन्होंने कितने साल से काम किया, आज हमारे साथ एक सीनियर एक्टर की तरह है। अभी करमवीर चौधरी जी हैं, जब ये आए थे खुश रहते आज इन्होंने काम किया है, एक सीनियर एक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके लिए मैंने अलग से डिपार्टमेंट खोला हुआ है, खोल रहा हूँ आज के बाद से, और उनका डिपार्टमेंट, उनका लुक आफ्टर करना, उनका मैनेजमेंट करना, उनका मैनेजर का काम करना मैं करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो दबे बैठे हैं जिनको काम नहीं है, और बहुत सारे कलाकार हैं जिनके पास बहुत काम है, तो जो दबे बैठे हैं मैं उनको प्रपोज करूँ, उनको बड़ी जगह पेश करूँ, उनके लिए काम निकाल के लाऊँ, क्योंकि हमारे जो संपर्क है सब एक कैटेगरीज में। अभी मैं धर्मा के लिए काम करता हूँ, निषाद के लिए काम करता हूँ, मैडम के लिए काम करता हूँ, सुपर कैसेट के लिए काम करता हूँ, तो हमारी जो लिंक है, हमारी जो संपर्क है सब ए क्लास कैटेगरी में है, तो मैं चाहूँगा कि ए क्लास कैटेगरी के जो एक्टर है उनको ए क्लास कैटेगरी में दिया जाए। राज के साथ तो मैंने काम किया है इनके पास। कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉब्लम इसलिए मैं बीच में क्यों आ रहा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर बन के आ रहा हूँ, जब काम एक फिल्म शुरू होती है तो बहुत सारे कलाकार का नाम दिमाग से निकल जाता है, पता नहीं होता कि कौन कलाकार अवेलेबल है, कौन कहाँ फिट होगा, इसलिए वो मैं जरिया बन रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबसे कनेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम 4,000 लोगों से मैं कनेक्शन कर चुका हूँ, तो मैं इस कदम पे पहुँचा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं प्राइमरी कास्टिंग करूँगा, साथ में फीचर भी करूँगा, एक नए कलाकार को फीचर कास्टिंग करके दूंगा, एक सीनियर कलाकार को मेजर कास्टिंग करके दूंगा, सबके लिए मदद करिए। थैंक यू सर, सबका आशीर्वाद लगता है, फीचर कास्ट वाले का भी आशीर्वाद लगता है। कोई आदमी शूट करने जाता है तो वो सीखता है, चाहे वो फीचर कास्ट हो चाहे वो जूनियर एक्टर हो, जब तक आप माहौल में नहीं जाएंगे आप सीखेंगे नहीं, तो ये एक तरह से लर्निंग पीरियड होता है, कुछ लर्निंग होती है कुछ लर्निंग होती है, दोनों में उनका फायदा। तो इसी के साथ मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ, और सब आप सबकी शुभकामनाएं मुझे चाहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहें, एक निरंतर कार्य करने का आज एक ऐसे बच्चे मतलब एक कलाकार है जो नेशनल अवार्ड विनर है, इसने कम लोगों में इस बच्चे ने इतना मुकाम हासिल किया है, मैं गर्वित हूँ कि आज ये बच्चा मेरा है, मेरे साथ है, और मैं इसके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ इसकी जर्नी, तो ये आपको अपने बारे में बताएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अरुण बुद्धदीय, मैंने फिल्म की थी तुलसीदास जूनियर, जिसके लिए मुझे अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए। बाकी मैंने ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म RRR में भी मैंने एक पार्ट प्ले किया था, रामचरण सर का चाइल्ड प्ले किया था मैंने उसमें। बाकी ये 2023 में अभी मेरी 5 फिल्म रिलीज़ होने वाली है एज अ मेन लीड एक्टर। एंड बाकी मैं हिमालय सर के बारे में क्या बोलूँ, हम सब जितने भी कलाकार हैं जो मेरे जैसे कलाकार चाइल्ड एक्टर्स, इन्होंने बहुत सारे कास्टिंग किए हमारे लिए फिल्म में, फिर एड्स में बहुत बार मेरी मदद की है, एंड थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आप हम सबको एक सहारा देते हो कि हम इस इंडस्ट्री में आए, और ताकि लोग हमें और पहचाने और हमें आगे और भी काम मिले, सो थैंक यू सो मच सर, और आपको हैप्पी बर्थडे एक और बार।